हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद साक्षी। सो आज हम सीखेंगे जो हमारा 3x3 का मैट्रिक्स होता है उसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें हमें हमारा साइन रूल लगाना पड़ेगा। वो कैसे होता है देखिए, हम प्लस से स्टार्ट करेंगे। हो गया हमारा प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस। हमेशा हमारे साइंस अल्टरनेटिंग आएगी। कोई भी दो प्लस एक साथ नहीं आ सकता और कोई भी दो माइनस एक साथ नहीं आ सकता। आप लोग देख सकते हैं हमने कैसे करा, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ओके, अब देखते हैं इसको डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम निकाल रहे हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। देखते हैं, देखिए सबसे पहली बात, हम किसी भी रो के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं इसको, किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक्सपेंड करने वाले हैं हमारी फर्स्ट रो के अलोंग। तो देखते हैं, ये देखिए सबसे फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा, 3, और 3 पर साइन रूल क्या लगा हुआ है, प्लस। तो जाएंगे हमारे प्लस के 3। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी जिस रो में हमारा ये वाला एलिमेंट आया है 3, उस रो को कट कर देंगे और जिस कॉलम में आया उस कॉलम को कट कर देंगे। अब आप लोग देख रहे होंगे एक 2x2 का मैट्रिक्स बचा है हमारे पास, तो हम उसको यहाँ पर उतार लेंगे। ये देखिए, ये हो गया 2, 1, 1 एंड -1। हमारा सेकेंड एलिमेंट क्या है, -2, -2, बट साइन रूल के अकॉर्डिंग ये कैसे होना चाहिए, माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड ये एलिमेंट हमारा कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो कट, और सेकेंड कॉलम में, सेकेंड कॉलम कट। अब आप देख सकते हैं एक और क्या बचा हमारा, 2x2 का मैट्रिक्स, इसको भी लिख लेते हैं। ये क्या हो गया, 1, 1, 0 एंड -1। ठीक है, हमारा थर्ड एलिमेंट क्या है, 4, और साइन रूल के अकॉर्डिंग ये क्या है, प्लस का, तो ये हो गया हमारा प्लस का 4। अब देखिए, ये वाला हमारा कॉलम कट हो गया और ये वाली रो, तो क्या बचा हमारे पास, 1, 2 एंड 0, 1, 1, 2, 0, 1। बस अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आपने हमारी जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें देखा होगा कि हमने सीखा था कि हम 2x2 के मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं, तो बस वही काम हम इसमें करेंगे। तो हमने उसमें बताया था कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो करते हैं, देखिए 2 1 2 यानी -2 एंड 1 1 1 और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -1 प्लस 2। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 यानी -1 एंड 1 0 0 -0 प्लस 4। देखिए 1 1 1 -2 0 0, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया इनटू माइनस के 3 एंड -2 प्लस 4, ये हो गया हमारा -9 -2 प्लस 4, तो ये हो गया हमारा माइनस के 11 प्लस 4। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा कितना आ गया, -7। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि हम इसको किसी भी रो के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं और किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आइए हम इसको एक बार फिर से लेते हैं इसी मैट्रिक्स को। तो हमने ले लिया, क्या था हमारे मैट्रिक्स, 3, 2, 4, 1, 2, 1, 0, 1 एंड -1। अच्छा, अब की बार हम इसको रो के अलोंग नहीं, हम इसको फर्स्ट कॉलम के अलोंग क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। और हमने फर्स्ट जो हमने इसको पहली बार लिया था तब हमने इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करा था। अब की बार हम इसको किसके अलोंग एक्सपेंड करने वाले, फर्स्ट कॉलम के। इसके पीछे एक और कारण है, वो कारण ये है कि हम ना कैसे पता करें कि हमें किस रो के अलोंग करना है या किस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना है। तो हम ये देखेंगे कि किस रो में या किस कॉलम में हमारी मैक्सिमम जीरोज आ रही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट कॉलम है उसमें 1 0 है और मैक्सिमम जीरो इसी में ही है, तो हम फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि हमारे जो कैलकुलेशन वर्क है वो बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ही सिंपल। देखते हैं कैसे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स क्या हो जाएगा, पहले साइन रूल लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो हम इसके अलोंग कर रहे हैं तो ये क्या है, प्लस के 3। अब 1 यानी -1 एंड प्लस के 0,
यहाँ पर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जीरो के साथ मल्टीप्लाई में जो भी आएगा उसको करने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो सब जीरो हो जाएगा। तो इसलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं, तो देखिए ये वाली हमारी रो कट और ये वाला हमारा कॉलम, तो क्या बचा हमारे पास, टू वन वन एंड माइनस वन। अब इसमें देखते हैं ये वाले रो कट और ये वाला कॉलम, तो हमारे पास क्या बचा है, टू फोर वन एंड माइनस वन। क्लियर है? तो अब देखते हैं, अब इसको सॉल्व करना है बस। क्या इसको क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के टू माइनस के वन माइनस वन माइनस टू माइनस फोर। तो ये क्या हो गया हमारा, थ्री इंटू माइनस थ्री एंड माइनस वन इंटू माइनस सिक्स। तो ये क्या हो गया हमारा, माइनस नाइन एंड प्लस सिक्स। तो ये आ गया है हमारा, अच्छा सॉरी, यहाँ पर ये माइनस के टू थे, क्या थे, माइनस के टू ये वाले, सॉरी फॉर दैट। तो हमारे हो जाएंगे प्लस के टू, ठीक है। तो ये फोर माइनस टू हमारे हो जाएंगे माइनस के टू। तो अब ये हो गया हमारा प्लस के टू, तो ये हो गए हमारे माइनस के सेवन। तो अब हमारा आंसर आ गया मॉडुलस ऑफ फेज इक्वल्स टू माइनस के सेवन, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने जब इसको रो वन के अलोंग एक्सपेंड करा था तब भी हमारा आंसर माइनस सेवन आया था, जब हमने इसको कॉलम वन के अलोंग एक्सपेंड करा तब भी हमारा आंसर क्या आया, माइनस सेवन आया। बट जब हमने कॉलम वन के अलोंग एक्सपेंड करा, क्योंकि उसमें एक जीरो थी, तो इसलिए हमारी कैलकुलेशन वर्क क्या हो गया, सिंपल हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक दो क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं हमारे, जिससे आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाए। चलिए हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेते हैं हमारा, जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पर वन फोर टू टू फाइव थ्री एंड थ्री सिक्स फोर, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या काम है, हम इसको एक नाम दे देते हैं, हमने दे दिया इसको ए। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा काम रहता है, हम इसको क्या करेंगे, साइन रूल लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम फर्स्ट रो के अलोंग इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या है, वन, और साइन रूल के अकॉर्डिंग क्या है, प्लस वन, तो ये हमारा वन, ठीक है। फिर क्या है, फोर, और साइन रूल के अकॉर्डिंग माइनस के फोर हो जाएंगे, और टू यानी प्लस के टू। आइए देखते हैं, ये वाला रो कट, सॉरी ये वाला कॉलम कट और ये वाली रो कट, ये क्या हो गया, फाइव फोर जो ट्वेंटी माइनस थ्री सिक्स जो एट्टीन। ऐसे ये वाला कॉलम कट, ये वाली रो कट, तो ये क्या हो जाएगा, फोर टू जो एट माइनस नाइन। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला कॉलम कट, ये वाली रो कट, तो ट्वेल्व माइनस फिफ्टीन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वन इंटू टू, और ये हो जाएगा हमारा माइनस फोर इंटू माइनस वन, नाइन में से एट जाके बचे वन, और प्लस टू इंटू प्लस टू इंटू हमारे माइनस के थ्री, क्योंकि फिफ्टीन माइनस ट्वेल्व क्या हो जाएंगे, माइनस के थ्री। तो ये क्या हो गया हमारा, टू प्लस फोर एंड माइनस सिक्स, तो ये क्या हो गया हमारा, सिक्स माइनस सिक्स इजिकल्स टू ज़ीरो। तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया, ज़ीरो, ठीक है। अब हम हमारा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये है सिक्स थ्री सेवन थर्टी टू थर्टीन थर्टी सेवन टेन फोर एंड इलेवन, ठीक है। इसको इस बार हम नाम दे देते हैं बी। चलिए इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो ये हो गया हमारा, सबसे पहले साइन रूल लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस, इसको हम करेंगे फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड, तो क्या हो गया, सिक्स माइनस थ्री एंड लास्ट एलिमेंट क्या है हमारा, प्लस सेवन, ठीक है। तो चलिए हमारी ये वाले कॉलम कट और ये वाला रो कट, तो ये हो जाएगा हमारा थर्टीन इंटू इलेवन यानी वन फोर्टी थ्री माइनस थर्टी सेवन इंटू फोर क्या हो जाएगा हमारा, वन फोर्टी एट। अब ये वाला कॉलम कट हो जाएगा और ये वाली रो, तो क्या हो जाएगा, थर्टी टू इंटू इलेवन ये हो जाएगा हमारा थ्री फाइव टू माइनस थर्टी सेवन इंटू टेन क्या हो जाएगा, थ्री सेवन जीरो।
अब की बार हमारा ये वाला कॉलम कट और ये वाली रो कट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 32 × 4, ये हो जाएगा हमारा 128, और 13 × 10 क्या हो जाएगा हमारा 130। ठीक है, अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, माइनस करना है, तो ये आ जाएंगे हमारे 148 माइनस 143 हो जाएंगे हमारे माइनस के 5। ठीक है, और ये हो जाएंगे हमारे 352 माइनस 370 हो जाएंगे हमारे माइनस के 80 प्लस 7, 130 माइनस 128 ये हो जाएंगे हमारे माइनस के 2। तो ये देखते हैं क्या हो गया, माइनस के 30 प्लस 18 × 3 कितने हो जाएंगे 54, और माइनस के हमारे 14, ये हो गए माइनस के 13 प्लस के 40। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे प्लस के 10, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी हमारा क्या आ गया 10। सो आज की हमने वीडियो में सीखा कि 3x3 के मैट्रिक्स को क्या कर कैसे उसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।